आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम आना दिन, बताते हैं आपको अच्छी खबर। वजीर हरीश राव ने उस्मानिया हॉस्पिटल में ₹5 फी खाने की स्कीम, ऑर्थोपेडिक एकेडमिक ब्लॉक और मरीजों के मुआयने के लिए ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में वजीर दाखिला महमूद अली, MLA राजा सिंह, TSMIDC के चेयरमैन एरोला श्रीनिवास और मेडिकल हेड डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने शिरकत की। आइए देखते हैं। ₹5 में खाना देने का प्रोग्राम आज उस्मानिया हॉस्पिटल में हम शुरू करेंगे। इसके लिए सालाना ₹40 करोड़ सरकार खर्च करेंगे। ये हैदराबाद में 18 दवाखानों में डेली 3 times गरीब लोगों के लिए, जो पेशेंट के अटेंडेंट गांवों से दूर दूर से आते हैं, उन लोगों को ₹5 में गरम गरम अच्छी खाना देना बोल के आज ये प्रोग्राम शुरू करें। और हमारा पेशेंट्स के लिए जो डाइट चार्जेस है, उसके पहले ₹40-50 थे, उसको हम बढ़ा के ₹80 और ₹112 हर दिन पेशेंट के लिए खाने के लिए भी पैसे बढ़ाए। सो KCR साहब ने ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं और उनके अटेंडेंट्स को अच्छी तरीके से खाना देने के लिए एक ₹80 करोड़ से ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। और उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए भी जो हेरिटेज का समस्या है, उसको देखते हुए हॉस्पिटल को नया बनाने के लिए एक कमेटी डाले। कमेटी ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे चुके हैं, उसका फाइनल रिपोर्ट विद एस्टिमेट के साथ जल्द से जल्द देने के लिए कमेटी को हम बोल चुके हैं। जैसा ये हेरिटेज को बचाता हुए नया बिल्डिंग बनाने के लिए जैसा हमारे रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट विद एस्टिमेट जब मिल जाएगा, तब CM साहब के नजर में ले जाके नया बिल्डिंग के लिए भी उस्मानिया में हम सैंक्शन कराएंगे। आज उस्मानिया हॉस्पिटल में 40 बेड का ICU भी आज स्टार्ट करे थे, इनॉग्रेशन करे। और ऐसे ही एक ऑपरेशन थिएटर, लिफ्ट और बहुत सारे काम आज उस्मानिया हॉस्पिटल में एक ₹60 करोड़ से आज सैंक्शन कराए। यहाँ OP ब्लॉक भी अच्छा डेवलप करे, जैसा OP ब्लॉक और फार्मेसी आज इनॉग्रेशन करे, वैसा हॉस्पिटल में भी पूरा रिपेयर्स के लिए और इसका सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट के लिए और एक ₹10 करोड़ भी आज सैंक्शन करें। ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में भी नया थिएटर्स बनाने के लिए भी